अगर फ्रेंड मान लीजिए आपके पास इंस्टाग्राम हो या फिर मैसेंजर या फेसबुक या फिर फ्रेंड ऐसा कोई भी सोशल साइट जिसको आप यूज करते हो और फ्रेंड आप उसका यूजर नेम या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं, तो फ्रेंड आप क्या करते हैं कि फ़ोन नंबर की मदद से आप OTP के द्वारा उसे फिर से आप पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, यूजर नेम रीसेट कर लेते हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ दोबारा मिल जाती है या फिर आप उस चीज़ को दोबारा यूज कर पाते हैं। अगर फ्रेंड सोचिए कि आपका जो फ़ोन नंबर है वही खो चुका हो, मान लीजिए आपके पास यूजर नेम भी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है, उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी खो चुका है, तो अब आप कैसे अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर जो भी आपका सोशल साइट हो उसे आप कैसे ओपन कर पाएंगे और कैसे आप उसे फिर दोबारा से चला पाएंगे? तो फ्रेंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे दोबारा चला पाओ जबकि यूजर नेम भी नहीं पता, आपको पासवर्ड भी नहीं पता और ना फ्रेंड आपको वो फ़ोन नंबर आपके पास है, तो फ्रेंड आप कैसे इसे यूज कर पाएंगे दोबारा? तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप इसे दोबारा कैसे चला पाएं। तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा और फ्रेंड वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि जानकारी आप अच्छे तरीके से जान सकें। तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। हेलो गाइस, मैं रूपक राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा टेक में। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपना पुराना अकाउंट चला सकें यानी यूज कर सकें। अगर फ्रेंड मान लीजिए आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है, ऊपर से फ्रेंड आपने अपना फ़ोन नंबर ही खो दिया है जिससे आप उस सोशल साइट को यूज करते थे, तो फ्रेंड आप कैसे उसको दोबारा यूज कर सकें? तो फ्रेंड इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मैसेज वाले ऐप में जाना है। मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड, यहाँ से आपको अपना मैसेज ऐप यूज कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड अब आपको यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑटो फिल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा, पिक अ सेव्ड पासवर्ड। फ्रेंड ये वही पासवर्ड है जब आपने पहली बार अपना सोशल साइट यानी फ्रेंड फेसबुक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर जितने सोशल साइट आपने पहली बार यूज किए थे यानी लॉगिन किए थे, उस समय आपको एक ऑप्शन आता है एंड में सेव्ड अ पासवर्ड, तो आपने उस समय वो पासवर्ड सेव कर दिया होगा तो वही पासवर्ड ये चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मेरा अमेजोन का मैंने ऐप में लॉगिन किया था तो अमेजोन का आ चुका है, या फेसबुक का आया है। यहाँ पे फ्लिक्स प्रेस का एक मैंने चीज़ था, मैंने उसे लॉगिन किया था वहाँ पे अपनी आईडी को, तो यहाँ पे मेरा आईडी शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम भी है, यहाँ पे इंस्टा कैश भी है, यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी आ रहा है फ्रेंड, ट्विटर का भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम की 1 ID 2 ID और यहाँ 3 ID है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंस्टाग्राम अपना ओपन कर रखा है। तो मुझे अपना यहाँ पे फेसबुक ओपन करना था फ्रेंड, क्योंकि मेरा फेसबुक का जो फ़ोन नंबर है वो खो गया है, तो मुझे अपना फेसबुक ओपन करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली फेसबुक पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो फिल और सॉरी फ्रेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको किसी एक पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं चलिए यूजर नेम पर कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, तो फ्रेंड ये पासवर्ड है कौन सा? जो आप अपने फ़ोन में यूज करते हैं वही पासवर्ड है फ्रेंड, यानी जब आप अपने स्क्रीन ऑफ करते हैं उसके बाद ऑन करते हैं तो जो पासवर्ड आपसे मांगा जाता है वही पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा यूजर नेम यहाँ पे फ्रेंड आ चुका है। अब मैं अपने यूजर नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड, ये देख सकते हैं मेरा फेसबुक यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा फेसबुक ऑफ है फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे आप देखेंगे कोई सा यहाँ पे फ्रेंड मैं फालतू चीज़ यूज नहीं करूँगा, बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। बैक होने के बाद फ्रेंड सिंपली आपको इसी पे आ जाना है और यहाँ से सेम प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना है जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे ऑटो फिल, उसके बाद पासवर्ड लेने के लिए आपको फिर से यहाँ पे फेसबुक पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर,
एंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आपको इसे दोबारा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक हो जाएगा। इसके बाद से दोबारा से आप अपना फेसबुक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड पासवर्ड पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ पासवर्ड पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं यहाँ लॉगिन हो रहा है और ये मेरी आईडी यहाँ पे फ्रेंड लॉगिन हो चुकी है। फ्रेंड आप ये देख सकते हैं मेरी आईडी यहाँ पे लॉगिन हो गई है। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से आप अपने पुराने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर टिकटॉक या फिर जितने भी सोशल साइट हो आप उसको रीयूज कर सकते हैं बिना यूजर नेम पासवर्ड और बिना फ़ोन नंबर के। तो फ्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक के तौर पर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपको इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।